सुनी सुनी तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने जो प्रीव्यू में वीडियो देखा उसी टाइप की मैं आप लोगों को वीडियो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ। अगर उस टाइप की वीडियो को एडिट करके आप अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं तो उस वाली वीडियो का वायरल होने का चांस 110% बढ़ जाता है। और उस टाइप की रील्स को कैसे एडिट करना है आज की इस वीडियो के अंदर आपका भाई यही बताने वाला है। तो वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, जिसके अंदर मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी वीडियो के अंदर होलो कलर को ऐड करेंगे, साथ ही आपका बॉडी यहाँ से हवा में उड़ने लगा ये भी आपका भाई बताने वाला है। वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, शेक इफेक्ट को भी आपका भाई ऐड करना बताने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एवरीथिंग जानकारी शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो व्हाट्स अप गाइस, उस टाइप के वीडियो को एडिट करने के लिए आपको दो ऐपों की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि पहले ऐप का नाम है टर्बो वीपीएन और दूसरे ऐप का नाम है कैपकट। और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताने वाला है, तो वीडियो को कहीं पर भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टर्बो वीपीएन ऐप को यहां से ओपन कर लेंगे। देन दोस्तों जैसे ही आप इसे ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप लोग को सिंपल से कुछ भी नहीं करना होगा वीपीएन को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे टैप टू कनेक्ट के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा लोगो जैसा, तो इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक कर लेने के बाद आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा आपके फोन के साथ। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ऊपर यहाँ पे वीपीएन जैसा देखने को मिल जाएगा। तो लीजिए हम लोग का वीपीएन तो कनेक्ट हो चुका है। तो सिंपल से आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा। अगला प्रोसेस आप लोग का क्या होने वाला है ना, आपको कैपकट ऐप को यहाँ से ओपन करना होगा। और कैपकट ऐप को आप जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस अगेन देखने को मिलेगा। और आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा, आपका भाई जो स्टेप आप लोग को बताने वाला है ना केवल आप उसे फॉलो कीजिएगा और वीडियो के एंड में आप सेम वैसा वीडियो को एडिट कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा, और कर लेने के बाद आपकी गैलरी की सारी वीडियोज यहाँ पे शो होने लगेगा और साइड में फोटोज भी। तो हम लोग सिंपल से वीडियो वाले सेक्शन में आके किसी भी एक वीडियो को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जिसे आपको एडिट करना है। तो मैंने अपने वीडियो को एक सिलेक्ट कर लिया और नीचे साइड में मैं ऐड के आइकन पे क्लिक कर दूंगा। और ऐड के आइकन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कैपकट के टाइमलाइन पे हम लोग का वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। और आने के बाद सबसे पहले हम लोग लास्ट में ऐसे स्क्रॉल करके आएंगे और इसे सिलेक्ट करके कैपकट का एक लोगो मिलेगा, तो इसे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। और कर लेने के बाद नीचे साइड में डिलीट के आइकन पे क्लिक करके इस वाली लोगो को हम लोग डिलीट कर देंगे। और सिंपल से आप लोग को अपने वीडियो वाले लेयर पे क्लिक करना होगा। और कर लेने के बाद ऐसे नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो ऐसे स्क्रॉल करके आइएगा। और आने के बाद यहाँ पे एक वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा, तो वॉल्यूम पे हम लोग क्लिक करके वॉल्यूम को 0% करके और राइट क्लिक कर देंगे। और ये सारी सेटिंग करते ही ना आपकी पूरी वीडियो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। अब हम लोग का असली काम स्टार्ट होता है, यहाँ से हम लोग एडिटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो को ना अच्छे तरीके से देखिएगा, नहीं तो एक भी स्टेप अगर आप मिस कर देते हैं तो आप उस टाइप की वीडियो को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो को ऐसे चलाएंगे और चला लेने के बाद देख सकते हैं इतना चल जाने के बाद गाइज ना आपको सिंपल से जहाँ पे आपको ऐसे लगे ना तो आपको सिंपल से क्या करना, अपने वीडियो वाले लेयर पे क्लिक करके और ऐसे नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको ऐसे स्क्रॉल करके ऐसे स्क्रॉल करना होगा। और आने के बाद गाइज ना आपको यहाँ पे एक फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एक फ्रीज का आइकन मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से फ्रीज कर देंगे। और फ्रीज कर लेने के बाद गाइज ना यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का वीडियो तो यहाँ पे चलेगा, शुरू में हम लोग का वीडियो चलेगा लेकिन यहाँ पे आके ना हम लोग का वीडियो फ्रीज हो जाएगा यहाँ पे। और हो जाने के बाद फिर से यहाँ पे हम लोग का वीडियो ऐसे चलने लगेगा। और ऐसे चल जाने के बाद आपको सिंपल से कुछ भी नहीं करना होगा, आपको एक्सटार्टिंग में आना होगा। और एक्सटार्टिंग में आने के बाद आपको सिंपल से ना आपका भाई जो भी इफेक्ट बता रहा है ना और जो भी तरीका बता रहा है केवल आप उसे फॉलो कीजिएगा। तो आपको क्या करना होगा ना, अपने पहले वाले वीडियो को ऐसे सेलेक्ट करना होगा यानी लेयर को, और कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग के सामने नीचे साइड में स्पीड के आइकन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको कर्व वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा, आप अपने मोबाइल डाटा को ऑन रखिएगा तभी आप ये सारी प्रोसेस कर पाएंगे। तो मैंने रख दिया है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीसेट भी मिल जाते हैं स्लो एंड फास्ट मोशन का, तो आप लोगों को ऐसे स्क्रॉल करना होगा। और यहाँ पे जंप कट करके एक स्लोमो मिलेगा, तो जंप कट पे हम लोग ऐसे टाइप करके और राइट क्लिक कर देंगे। इससे ये होगा कि देख सकते हम लोग का वीडियो कुछ इस टाइप से आएगा स्लो एंड फास्ट मोशन में, यहाँ पे हम लोग का वीडियो फ्रीज हो जाएगा यानी कि रुक जाएगा, फिर यहाँ पे हम लोग का वीडियो ऐसे चलने लगेगा। तो
सिंपल से आप लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा। लास्ट में हम लोग थोड़ा सा ऐसे ले लेंगे और लेने के बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे ना स्प्लिट के आइकन पे क्लिक करके ये लास्ट वाला जो पार्ट है इसे हम लोग डिलीट कर देंगे नीचे साइड में डिलीट के आइकन पे क्लिक करके। और सिंपल से लास्ट वाला जो वीडियो वाला पार्ट है गाइस ना, इसे हम लोग ऐसे सेलेक्ट करेंगे, स्पीड के आइकन पे जाएंगे, कर्व के आइकन पे जाके और ऐसे स्क्रॉल करके ना यहाँ पे जंप कट हम लोग करके और राइट क्लिक कर देंगे। और ये सारी सेटिंग करते ही ना आपकी पूरी वीडियो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखे होंगे तो आपका भी वीडियो सेम ऐसा हो चुका है। अब हम लोग का वीडियो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन गाइस इसमें हम लोग को इफेक्ट को भी ऐड करना है कि कैसे आप ब्लर इफेक्ट को ऐड करेंगे और साथ ही गाइस ना आपका जो बॉडी होगा ना वो हवा में उड़ने लगेगा, ये भी आपका भाई बताने वाला है। तो सारी चीजें बहुत ही आसान तरीके से बताएगा, म्यूजिक को भी ऐड करना बताने वाला है, सेकी इफेक्ट को भी ऐड करना बताएगा, कलर ग्रेडिंग कैसे करना ये भी बताएगा। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाएंगे और आने के बाद नीचे साइड में ऐसे स्क्रॉल करना होगा और कर लेने के बाद इफेक्ट के आइकन पे क्लिक करना होगा और वीडियो इफेक्ट के आइकन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे ट्रेंडिंग में ना, ट्रेंडिंग के बगल में आप लोगों का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें हम लोग आ जाएंगे और आने के बाद यहाँ पे हालो ब्लर के आइकन पे आपको टैप कर देना होगा और एक बार और टैप करके इसकी इंटेंसिटी जो है ना इसको 100% करके राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आके हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेंगे इतना। और कर लेने के बाद देखिए हम लोग की वीडियो कैसी देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग का वीडियो काफी अच्छा सा ब्लर हो चुका है और यहाँ पे हम लोग का वीडियो फ्रीज हो चुका है। तो सिंपल से आप लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा, आपको सिंपल से ना ये जो वीडियो वाला फ्रीज वाला पार्ट है ना इसे हम लोग ऐसे सिलेक्ट करेंगे और कर लेने के बाद यहाँ पे आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। ले लेने के बाद आपको नीचे साइड में एक स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, तो स्टाइल वाले आइकन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। आप अपने मोबाइल डाटा को ऑन रखिएगा तभी आप ये सारी प्रोसेस कर पाएंगे। और कर लेने के बाद आपको ऐसे स्क्रॉल करना होगा और कर लेने के बाद यहाँ पे ना यहाँ पे पार्टिकल लिखा होगा, पार्टिकल करके एक ये वाला ऑप्शन, तो इस पे हम लोग टाइप कर देंगे और टाइप कर लेने के बाद ये थोड़ा सा जनरेटिंग करेगा और कर लेने के बाद 100% होके आपका ये कर देगा। यहाँ पे देखिए 99% हो चुका है और 1% बाकी है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, आपका भाई बहुत ही जेन्युइन जानकारी बताने वाला है। तो हो जाने दीजिए, फिर आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। वसब गाइस जैसे ही ये 100% होगा ना तो यहाँ पे आपका इफेक्ट लग जाएगा और लग जाने के बाद मैं यहाँ से राइट क्लिक करके ऐसे शुरू में आ जाऊंगा और शुरू में आने के बाद मैं वीडियो को चला के दिखाता हूँ कि हम लोग का वीडियो किस टाइप से है। तो यहाँ पे ब्लर इफेक्ट है और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का वीडियो कुछ इस टाइप से, हम लोग का बॉडी हवा में चला जाएगा और अगेन हम लोग का वीडियो कुछ इस टाइप से चलने लगेगा। और चलने लगने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सेकंड वाला जो लेयर है ना लास्ट वाला वीडियो को इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने के बाद नीचे साइड में आपको एनिमेशन के आइकन पे क्लिक करना होगा और ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो हम लोग इन वाले पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हम लोग के सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे जिस भी इफेक्ट को आपको लगाना है उसे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं इस वाले इफेक्ट को यहाँ पे रहने दूंगा, ये वाला जो रॉक वाला है, रॉक वाले रहने देने के बाद राइट क्लिक कर लूंगा और राइट क्लिक करने के बाद स्टार्टिंग में वीडियो के आ जाऊंगा। और आने के बाद इस वीडियो के अंदर जो मैंने म्यूजिक को ऐड किया उसका, उस म्यूजिक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उस म्यूजिक को जाके इजिली आप लोग डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो सिंपल से ऐड आइडियो के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट वाले आइकन पे क्लिक कर लेंगे और यहां से मैं इस वाले वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पे ना इंपोर्ट ओनली साउंड के आइकन पे क्लिक कर देता हूं। तो हम लोग का साउंड आ चुका है। तो अब देखिए हम लोग की पूरी वीडियो किस टाइप से देखने को मिलेगा। मैं म्यूजिक को कहीं कहीं पे ऑफ कर दूंगा, नहीं तो मेरे वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। सो आई होप गाइज आपको इस टाइप की वीडियो एडिटिंग आ चुका होगा। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया है बहुत ही आसान तरीके से। तो इस वीडियो को फुल HD में सेव करने के लिए आपको सिंपल से ऊपर साइड में डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करके और इस वाली वीडियो को गैलरी के अंदर आप सेव कर सकते हैं बहुत ही इजीली स्टेप में। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।